अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको कुकिंग भी देखने को मिलेगी, शॉपिंग भी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी डिस्कशन भी होगी इंशाल्लाह। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी दिन का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह हम खा चुके हैं, लेकिन शाम के लिए मैं सालन बना रही हूँ बिकॉज मैंने जाना है अपनी अम्मी के साथ मार्केट। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं और मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो खाना वगैरह बनाकर मैं और मन्हा मामा की तरफ आ गए थे और फिर थोड़ी गपशप की बहनों के साथ। फिर जब हसाम आ गया तो हम लोग निकले घर से, लेकिन तकरीबन 8 बज चुके थे। अब ऐसा है कि प्लान हमारा यही था कि इम्तियाज़ मेगा स्टोर से मैंने परचेजिंग करनी है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि 8 PM वो अपने बाकी फ्लोर्स बंद कर देते हैं, सिर्फ उनका ग्राउंड फ्लोर खुला रहता है। सो क्योंकि मुझे क्रॉकरी लेनी थी तो वो उनकी फ़र्स्ट या सेकेंड फ्लोर, टाइम ज़ाया किए बगैर ही पास में सेव मार्ट है और फिर हम लोग सेव मार्ट की तरफ चल पड़े बिकॉज स्मार्ट लॉकडाउन में 10 PM सारी मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं। तो सेव मार्ट पे हम आगे थे और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी, बहुत अच्छी कलेक्शन थी और क्रॉकरी तो वैसे ही मुझे लगता है हर लड़की को पसंद होती है। तो खैर यहाँ से मुझे चीज़ें मिल गई थी और तो कुछ ज़्यादा परचेजिंग मैंने वहाँ से करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब बंदा निकलता है तो और जब बच्चे भी साथ हों तो फिर तो ख़रीदना पड़ ही जाता है। खैर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है जनाब किचन क्लीनर, जो एस्टोनिश का मल्टी सरफेस क्लीनर। ये मुझे बहुत पसंद है ऑरेंज फ्लेवर में और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। लास्ट टाइम भी मुझे ये यहीं से मिली थी और अभी भी मुझे ये यहीं से मिल गई। जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी बिकॉज़ बाकी जगहों पर अवेलेबल तो है लेकिन इसका ये फ़्लेवर जो है ना नहीं मिलता। और ये बहुत मस्ट ट्राई वाली चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसका। एज़ आई टोल्ड यू, कुछ ख़ास ख़रीदना तो और था नहीं मैंने, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन कर लेती हूँ जब तक मामा थोड़ी परचेजिंग करेंगे अपनी। सो डिस्कशन हमने इस पॉइंट पर करनी थी कि मेरे यूट्यूब के व्यूज़ जो है ना वो बहुत डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए थे। लाइक इनिशियली जो वीडियोस मैं अपलोड करती थी उनमें 1500-1600 इतने व्यूज़ आते थे और मेरे लिए दे वर मोर देन इनफ बिकॉज इट्स बीन ओनली अ मंथ कि मैंने यूट्यूब को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए मोर देन इनफ थे वो। लेकिन फिर सडनली हुआ क्या कि उन्हीं वीडियोज़ के ऊपर वो व्यूज़ हंड्रेड में आकर वो काफ़ी कम हो गए। तो व्हेन आई नोटिस दैट तो मैंने कॉन्टैक्ट किया एक अपने ओल्ड फ्रेंड से एंड ही इज़ एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो उसने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, लेकिन वही बात है कि मुझे सुकून नहीं आया। फिर तो मैंने कर दी यूट्यूब को ईमेल कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कोई कॉपीड कंटेंट भी यूज़ नहीं किया, कोई ऐसी सोर्स भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो फिर उन्होंने बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड किया, मुझे बड़ा अच्छे से गाइड किया। वैसे मैंने सुना था कि यूट्यूब इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं अनटिल मोनेटाइजेशन। सो इशू क्या है कि उन्होंने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और नॉट ओनली न्यू यूट्यूबर्स बल्कि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी ये इशू है, लेकिन उनको फील इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं कि अगर कुछ हंड्रेड्स कम भी हो जाते हैं तो इट डजेंट मैटर फॉर देम, बट लाइक अस जो नए नए काम करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी डील है। सो उन्होंने मुझे साथ ये भी कहा कि अगर आपका वॉच टाइम स्केल जो है वो ठीक है तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अपना वॉच टाइम स्केल चेक किया तो वो परफेक्टली फ़ाइन था और तब जाकर मुझे सुकून आया कि ओके फ़ाइन। तो आप सबके साथ भी अगर कोई सेम इशू फेस कर रहा है तो उसका यही आंसर है कि आप लोगों को ना डायरेक्टली यूट्यूब को अप्रोच करना चाहिए बजाय इसके कि इधर उधर की बातों पे आप ध्यान दें। आप डायरेक्ट यूट्यूब से अप्रोच करें और आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और मेन थिंग तो यही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अगर आप में से किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी प्लीज़ शेयर करें। अच्छा हम जैसे ही घर पहुँचे तो कुकिंग कुछ हाफ वे पहुँच चुकी थी। अच्छा यहाँ पर बन रहा है इंस्टेंट मैक्रोनी और उसके अलावा चिकन रोस्ट हो रहा है, फ्राइज़ वगैरह बने और हम लोगों ने बहन भाइयों ने मिलके एक छोटी सी पार्टी कर ली। अच्छा जी बहुत सारे लोग कंसर्न थे कि व्यूज़ एकदम से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश भी थे। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, यही उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, अल्लाह उनका भला करे। इससे बेहतर दुआ उनके हक़ में और कोई हो नहीं सकती आई थिंक। सो जो लोग अपसेट थे भाई अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एवरी थिंग इज़ इन कंट्रोल। जब वॉच टाइम परफेक्टली गुड जा रहा है तो व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ की एक ही टिप है भाई कि खुद भी खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खाते पीते रहें, जो आपके साथ खुश है उसके साथ खुश रहें और जो आपके साथ नहीं खुश रहना चाहता भाई लेट देम गो।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।